आप रास्ते में जा रहे हो तो उनकी मेजॉरिटी ज्यादा, संख्या बल ज्यादा होता है। मैं उन पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि वो भगवान की यात्रा करने जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन बिना अनुशासन के कोई भी यात्रा सफल नहीं हो सकती है। जो उन्होंने डीजे के लिए कहा, ठीक है, डीजे हमारी जो व्यवस्था है, एक हमारी संस्कृति है, धर्म और जो संस्कृति का जो मुख्यमंत्री साहब जो हैं संस्कृति के विकास में लगे हुए, ये धर्म नहीं कह सकते, ये हमारी भारतवर्षीय संस्कृति का प्रोत्साहन है, अब मिलना भी चाहिए, लेकिन बगैर अनुशासन के यात्रा संभव नहीं है। पुलिस प्रशासन देखिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत से कांबड़ी जो हैं सांप लेके चलते हैं और बिच्छू लेके चलते हैं, तो ये क्या हमारा वाइल्ड जो लाइफ है, प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए इनको कि आप जैसे कोई जानवर लेके चलते, जैसे कहते नंदी है, तो क्या नंदी, बहुनंदी जो भगवान शिव का था, क्या उसको पीड़ा नहीं होती है? स्वेच्छा से जो व्यक्ति चलना चाहे कांवड़ यात्रा में जाए, लोग फेस्टिवली किसी को लेके जाते हैं, उसमें भगवान आशुतोष प्रभु की जय हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी विजय, हमारी विजय जो हमारी श्रद्धा कहीं किसी के प्रति प्रश्न न खड़ा करे कि नहीं वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को डीजे पर प्रतिबंध उन्मुक्त करना अच्छी बात है, लेकिन अनुशासनात्मक तौर से जितना जो हमारी व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने इस चीज के लिए भी आदेश दिए कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हो और किसी भी तरह की लापरवाही ना दिखे, लेकिन जो उन्होंने कहा अधिकारियों को कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुंभ आयोजन से सीख ले, इससे क्या संदेश देने की कोशिश की? हम एक बात और बताना चाहेंगे, जो कांवड़ी है उनका एक आवेदन होना चाहिए डीएम के यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उनसे कहा जाए कि आप की यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी, और ताकि उनका जो इन्फॉर्मेशन मिल सके कहीं दे सके। कभी कभी होता कि अभी मैंने देखा था पिछले साल मेरठ में कुछ कांवड़ी लोगों ने एक बाइक सवार को जैसे लूट लिया था, तो ये भी होता उनका जो है स्टेटस भी देखा जाए कौन कौन यात्रा में जा रहा है, उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट के हों, जिस थाने के हों, जो और जिस तहसील के हों, काउंटिंग होनी चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन एसओ और डीएम ऑफिस पर होना चाहिए ताकि यात्रा मंगल में हो सके। ठीक है, आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी जिस तरह से जरूरत महसूस होगी कि हाँ सुरक्षा के लिए ये चीज़ें, ये नियम लागू होना चाहिए, वो आगे सरकार करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल अगर बात करें तो पूर्व की जो सरकार थी वो डीजे पर प्रतिबंध लगाती थी, तो क्या डीजे पर प्रतिबंध लगाना किसी यात्रा को जो कि आर्थिक, जो कि माफ करेगा, जो कि एक आस्था से जुड़ा हुआ यात्रा है, क्या उस पर डीजे का प्रतिबंध लगाना सही होता है या फिर नहीं? जब जब भी जिस जिस सरकार ने राष्ट्र के मूल्यों का अपमान किया है उस सरकार का पतन हुआ है। डीजे, अब ये बताइए, भगवान राम का उसमें अयोध्या मंगल क्या नाम बालकांड में लिखा हुआ है कि भगवान राम के विवाह में धुंधी बजी थी, भगवान शिव की बारात में धुंधी बजी थी, तो ये शिव की बारात है, ये कांवड़ शिव की बारात है, ये हमारा, अब ये कहें कि अगर लोग बहस करें तो हमारे जो शिवपुराण में भी कहा गया है और आशुतोष प्रभुडर दानी आरत हरो दीन जन जानी, इसे हमारी चौपाइयाँ कहेंगे तो हमारा मंगलमय कामना का देश है। अगर वो हमारे यहाँ वाद्य यंत्र भी बनाए गए हैं मंगलमय कामना के लिए, अब आप देखिएगा कि शहनाई भी होती विवाह में, तो ये एक यात्रा है, धर्म की यात्रा है, एक आस्था की यात्रा है, ये हमारे संस्कृति की यात्रा है, ये हमारे देवादेव महादेव की जो परंपरा जो चली आ रही करोड़ों वर्षों से, ये आस्था का विषय है, तो इसमें डीजे पर प्रतिबंध लगाना है तो सरकार जो लगाती है, जिसने लगाया, तो हसर क्या हुआ आप देख रही हो, हमेशा भारतवर्ष के धर्म की धर्म के साथ, आस्था के साथ, संस्कृति के साथ, जिसने भी खिलवाड़ किया, और ये भी आप देखिएगा कि जैसे जो हमारे पैशाचिक परंपरा रही है, जैसे रावण हो या कंस हो, कोई भी हो, इन्होंने भी यही कार्य किए, संतों पर प्रतिबंध लगाना, श्रेष्ठ कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, यज्ञ पर प्रतिबंध लगाना, तो क्या इनका परिणाम क्या हुआ है? तो जो ऐसे राष्ट्र विरोधी कार्यकर्ता, संत विरोधी कार्यकर्ता, तो सरकार, तो सरकार यहाँ बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है, कोई भी सरकार आए, मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन मैं भारतवर्ष की संस्कृति के साथ हूँ, सभ्यता के साथ हूँ, धर्म के साथ हूँ, आस्था के साथ हूँ, और भारत के धार्मिक जनमानस के साथ हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रतिबंध हटाया गया डीजे पर, क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऐसे में प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है? नहीं नहीं डीजे पर जो प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन वहाँ पर एक और बात भी कही, जो वहाँ पर प्रशासन है उसकी देख रेख में यात्रा होगी। अब यदि कोई डीजे लेके, जैसे अगर किसी ने, जैसे ये तो अपना काम करेंगे, प्रतिबंध हटाया गया तो सरकार ने एक संदेश दिया है कि हम धर्म के प्रति गंभीर हैं, अब लेकिन धर्म कहीं उन्माद न बन जाए,
धर्म कहीं अहंकार की पराकाष्ठान बन जाए, धर्म कहीं कभी कभी धर्मता अति सर्वत्र बजते। उसमें चाणक्य ने कहा है अति रूपेण वैशिता अति सर्वत्र बजते, अति जो हर जगह खराब होती है, अति सीता सुंदर थी अपहरण हुआ किया गया है। तो हम चाहते हैं जो धर्म हमारा है कहीं ये धर्म हमारे उन्मादकता की ओर न चला जाए। कहीं कहीं होता है कि धर्म के माध्यम से व्यक्ति कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, हम धर्म के माध्यम से कुछ और हासिल करना चाहते हैं। बहुत से रावण ने तो सीता का हरण किया था धर्म का ही चोला पहन करके, तो मैं चाहता हूँ ये वो चोला न बने जो रावण का चोला था, ये भारतवर्ष के संस्कृति का चोला बने। ठीक है, लेकिन ये जो यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाती है इससे क्या सरकार क्या संदेश देने की कोशिश करती है? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम जो हमारे कांवड़ यात्री जाते हैं, यात्री हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, तो सरकार हर व्यक्ति उनका स्वागत कर सकता है। लेकिन मैं एक सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हमारा ग्राम देवता है जो बेचारा मर रहा गांव पर है, क्या वो ग्राम देवता है, ये कांवड़ी है, अंतर देखेगा, हे ग्राम देवता नमस्कार, जिसके मेहनत से गांव से लेकर सैनिक तक, गांव से लेकर सरकार तक जो शरीर को स्वस्थ करता अन्न दे करके, क्या उस ग्रामीण देवता का कहीं सम्मान नहीं सरकार कर सकती है? कांवड़ी भी जाता है उन्हीं का अन्न खाकर, जो पुष्प बरसाएंगे वो भी उनका अन्न खाते हैं। तो सबसे पहले इस देश में अगर किसी का सम्मान हो तो ग्राम देवता किसान का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कांवड़ी भी उनका भोजन करके जाते हैं, जो रक्षा करते हैं उनका भी करते हैं। लेकिन सरकार ये जो पुष्प वर्षा कर रही है, ये जो हमारी पुष्प वर्षा है अतीत से चली जाए, जैसे देवताओं पर पुष्प वर्षा हुई है, तो ये कांवड़ी जो हैं एक यात्रा कर रहे हैं। इसमें आपने देखा कोई कोई तो स्मोकिंग भी करते हैं, देखा होगा, तो वो उनका एक एक चैन बनी आ रही है, एक परंपरा है। परंपरा धर्म नहीं हो सकता, धर्म हृदय का विषय होता है, परंपरा केवल संस्कृति का विषय होती है। वर्तमान में धर्म संस्कृति का विषय है, न कि ये हमारी परंपरा जो हमारी वैदिक परंपरा चली आ रही है उसका एक अंग हो सकती है, लेकिन धर्म कभी उन्मादक पदार्थ नहीं एकत्र करता है और धर्म कभी विप्लव नहीं लाता है। आपने जैसे किसान का जिक्र किया, क्या उस यात्रा में किसान शामिल नहीं होते हैं? आपने जो पर्टिकुलर एक किसान की बात की कि किसान पर वो पुष्प वर्षा होनी चाहिए, क्या उस यात्रा में किसान शामिल नहीं होते? उसमें तो सब शामिल, राजा और रंक सभी शामिल होते हैं। तो वो एक श्रद्धालु के लिए एक अलग सा, अगर कुछ सरकार चला रही है, सरकार की अपनी खुशी है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, आप जो कह रहे हैं श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। जो हमारा जो किसान है, अब आप देखें किसान का चिंतक, किसान के चिंतक जनक जी थे, आप भी देखती हो, आपने पुराण भी पढ़े होंगे, वेद भी पढ़े होंगे। अब जो हमारा ग्राम देवता है वो क्या, जैसे कांवड़ में जाते जरूर हैं, लेकिन कांवड़ तो एक महीने की है ना, आप भी जानती हो, लेकिन जो ग्राम देवता है वो 24 आवर 12 महीनों तक 365 दिन राष्ट्र का चिंतन करता है, वर्षा करती रहे जी। तो क्या 12 महीने और 24 घंटे तक हर दिन 24 घंटे तक सरकार पुष्प वर्षा करती रहे? किसान का जीवन जो होता संघर्षमय होता है। अगर यहाँ पुष्प वर्षा करे या वहाँ, या तो क्या वहाँ पर किसान की टोलियाँ रहती हैं? नहीं, किसान की टोली नहीं थे वहाँ, तो मैंने आपसे कहा किसान को सम्मान देने में सरकार पीछे नहीं है किसी भी तरह से। केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सरकार पीछे नजर आ रही है। हाँ, कुछ कमियां जरूर हैं कि किसान भी असंतुष्ट नजर आ रहा हो, लेकिन आप जो जिस तरह से पुष्प वर्षा की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले किसान पर ये पुष्प वर्षा होनी चाहिए, तो क्या किसान की टोलियां रहती हैं खेतों में? नहीं, जहां बसो तहां सुंदर देशु जो प्रतिपाले भाई नरेशु, ये भी कहा गया। जो हमारा प्रतिपाल है वो किसान है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो किसान है वो हमारा देवता है, ग्राम देवता कहा गया। अरे तो मैं लेकिन वो पुष्प वर्षा एक महीने तक इनकार कहां कर रही हूं। हम भी यही बोल रहे हैं कि ठीक है वो देवता है, किसान हमारे लिए ठीक है जो भी, लेकिन सम्मान दिया जा रहा है भाई। जो हम एक महीने की जो कांवड़ यात्रा हो रही है, पुष्प वर्षा सरकार कर रही है, श्रेष्ठ कार्य कर रही है, लेकिन जो हमारा किसान 365 दिन उनसे भी श्रेष्ठ काम करता है, जो कि शिवालय में दूध चढ़ता है किसान का, शिवालय में अर्चन होता है किसान के, बेलपत्र जो चढ़ते हैं वो किसान वृक्षारोपण करके उनको जल देता है। ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे थोड़ी देर। संजीव द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर, महेश चंद्र जुड़े हुए हैं जो कि संघ विचारक हैं। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कांवड़ यात्रा के लिए जिस तरह से इस बार योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए डीजे पर प्रतिबंध हटाया, इस पर आप पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे सर, एक बात है कि ये धार्मिक उन्माद के नाम पर
कि कांवरिया जो है ये बड़ा हुड़दंग करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और जो जरूरी चीज है उस पर जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। किसानों की जो बात चल रही है, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ता जो भी है उन्होंने कहा, तो किसानों की हालत सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए और अन्य जो कुरीतियां हैं, अन्य जो है मान लीजिए जो बेकारी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए कांवरिया वगैरह, ये तो वास्तव में जो है धर्म के नाम पर उन्माद उदंडता ये प्रदर्शित करती है। बीजेपी को वो दिया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा बीजेपी को सोच समझ करके स्टेप लेना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, अब एक एक लोग के ख्याल से तो सरकार चलेगी नहीं महेश जी, और दूसरी चीज कि अगर डीजे पर प्रतिबंध हटाया गया तो जरूरी नहीं उससे उन्नवाद बढ़े। अगर सरकार सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम करेगी तो डीजे पर प्रतिबंध हटाना जो है ये गलत कहां से हो सकता है? देखिए, ये डीजे ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम अपनी धार्मिक भावनाओं को डीजे के द्वारा ही। तो ऐसे में फिर शादियां पार्टियों में जो डीजे चलाया जाता है, देखा जाता है हर पार्टियों में डीजे इतनी ज्यादा आवाज में बजता है, तो ऐसे में प्रतिबंध उस पर भी लगाया गया लेकिन कहां तक चल पाया? तो क्या उस दो दिन में कांवड़ यात्रियों का जो अपना एक श्रद्धा के साथ वो निकल रहे हैं शिव की बारात के तौर पर, तो ऐसे में दो दिन में इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा? देखिए ऐसा है, एक लिमिट होना चाहिए इसकी भी, उसमें भी लिमिट। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो इस बात से आपकी सहमत है कि लिमिट होना चाहिए, तो वो तो सरकार खुद लिमिट के लिए कह चुकी है। कहिए, हेलो हेलो, धर्म मनोरंजन नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, संजीव जी। हाँ संजीव जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ जो वैवाहिक कार्यक्रम की आप बात करती हो, ये मनोरंजन है, ये दो परिवारों का। बिल्कुल वही बात मैं भी कह रही हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, अगर डीजे चलाया जा रहा है उस पे जो प्रतिबंध लगा उसको हटाया जा रहा है, तो दो दिन में ध्वनि प्रदूषण इतना ज्यादा नहीं होगा जिस तरह से महेश चंद जी जो बात अपनी रख रहे हैं? नहीं नहीं, उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं पक्षधर हूँ। भाई डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उनका फॉलो होना चाहिए, और प्रशासन भी जिम्मेदारी निभाए अपना। अब आप डीजे पर आपने ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन आपके कार्य से, आपकी कार्यशीलता से कहीं किसी का मार्ग अवरोध तो नहीं हो रहा है, ये भी तो बात सोचना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक है। तो महेश जी, जिस तरह से पूर्व की सरकार में देखा गया कि डीजे प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भी प्रतिबंध किया गया, लेकिन फिर भी मार दंगा ये सब कुछ सामने आया कांवड़ यात्रियों के दौरान, तो ऐसे कैसे, मतलब अगर डीजे पर जो प्रतिबंध लगा हुआ उसको हटाया जाएगा तो उन्माद ज्यादा होगा? देखिए, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि आवर फ्रीडम एंड्स व्हेन योर नोज बिगिंस, यानी हमारी स्वतंत्रता वहां तक सीमित है जहां तक कि दूसरे के हितों पर खलल ना पड़े, दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना हो। डीजे हटाने का मतलब ये है कि मतलब ठीक है आप डीजे का प्रयोग करें, लेकिन एक लिमिट, एक सीमित मात्रा में करें, लिमिटेड। हाँ बिल्कुल, इस बात से आपके सहमत है। ध्वनि को प्रदूषण कहा गया ना? हाँ हाँ, अगर जो प्रदूषण, जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रदूषण का विषय, ध्वनि भी प्रदूषण है। क्या ये सरकार है तो जैसे धर्म के नाम पर, अब यहाँ पर राजनीति और कूटनीति का केंद्र बना रहे हैं धर्म को। धर्म कभी भी राजनीति और कूटनीति का केंद्र नहीं हो सकता है, केवल लोकनीति हो सकती है। बिल्कुल सही है। और ये लोकनीति परंपरा हमारे जो राष्ट्र की जो हमारी व्यवस्था है, संस्कृति है करोड़ों वर्ष की, वो लोकनीति पर आधारित थी, न कि राजनीति पर, न कि कूटनीति पर। वर्तमान सरकार कूटनीति राजनीति को लेकर के सत्तात्मक कदम उठा रही है। बिल्कुल सही बात। देखिए, राजनीति का मतलब ये है कि जो हमारी धर्म नीति पर आधारित हो, हमारे प्रदेश की वासियों के लिए उचित हो, वो ना कि ये नहीं कि हम जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किसी वर्ग विशेष को सुविधाएं दें, ऐसा नहीं, उचित नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा देखिए, डीजे वगैरह से ये ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे कि जो हृदय के रोगी हैं बेचारे, उनकी ध्वनि, उनकी बढ़ जाती है वाइब्रेशन, जो बेचारे बीपी के मरीज हैं वो सो नहीं पाते, उनका बीपी बढ़ जाता है। और कहना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण से तो अव्यवस्था ही पैदा होती है। क्या जरूरी है कि कांवड़ियों को अपनी धार्मिक निष्ठा, धार्मिक श्रद्धा डीजे के ही द्वारा ही जो क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, और कोई अन्य साधन नहीं? हाँ ठीक है। उसमें भी कहा गया है भोजन भजन अगोचर कीजे। ये जो है, जो हमारी कांवड़ यात्रा जो हो रही है, ये हमारी समाज की एक समझो परंपरा है, ये लोक नीति है, लोकाचार है।
और धर्म धारते इति धर्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म होता है। हम स्वीकार नहीं कर रहे क्या वो, जो हम कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे तो क्या मैं धार्मिक नहीं हूँ? बिल्कुल ठीक। क्या क्या हम अगर मैं भगवा वस्त्र अगर नहीं पहन पा रहा हूँ या तो क्या मैं प्रभु राम का भक्त नहीं हूँ? क्या मैं इस भारतवर्ष की संस्कृति का अंग नहीं हूँ? लेकिन 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 मैं कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूँगा और मैं भी अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, भारतवर्ष की संस्कृति पर, सभ्यता पर, भगवा कलर पर भाजपा का पेटेंट नहीं है। इसमें भारतवर्ष हर हर भारत के प्रत्येक नागरिक का बराबर अधिकार है, चाहे वो वंदे मातरम हो चाहे संस्कृति हो, बराबर अधिकार प्रत्येक नागरिक का। और मैं जी आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संजीव जी आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर आस्था के विषय पर फिर राजनीति क्यों होने लगती है? प्रायः सत्ता संचालन के निर्णय होते हैं गंभीर, प्रज्ञावान पुरुष समझेगा या समझेंगे संत फकीर। सत्ता के निर्णय ऐसे होते हैं आम जन नहीं समझ सकता, वही लोग वहां तक पहुंचते हैं जो राजनीति कूटनीति के साथ साथ धर्म की मादकता को लेकर चलते हैं। हमेशा हर चीज पर राजनीति करना सही नहीं होता है संजीव जी, हमेशा आस्था के विषय पर भी राजनीति। फिलहाल यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। इतने सारे